करें। और गुरुग्राम में सोहना के इस एलिवेटेड फ्लाईओवर पर पहले ही दिन जाम क्या लगा, इस मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के डिजाइन में कमी बताकर सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि इस एलिवेटेड फ्लाईओवर पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आखिर क्यों नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर टोल माफिया से साठ गांठ कर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जानबूझकर नहीं बनाने के भी आरोप लगाए हैं। जितेंद्र भारद्वाज की माने तो सरकार ने 25 किलोमीटर लंबा ये एलिवेटेड फ्लाईओवर राष्ट्रीय राजमार्ग तो बना दिया, लेकिन इस दूरगामी परियोजना से सोहना रोड पर बनी सैकड़ों सोसाइटीज में रहने वाले हजारों लोगों को क्या फायदा हुआ और कैसे फायदा हुआ, इसका सरकार को जवाब देना चाहिए। दरअसल कल 11 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर 25 किलोमीटर लंबे इस राष्ट्रीय राजमार्ग को ट्रायल रन के लिए खोल दिया था, लेकिन स्थानीय लोगों को एंट्री एग्जिट ना होने के चलते इसकी वजह से परेशानियों का और जाम का सामना करना पड़ा है। देखिए, जो इसका ट्रायल रन शुरू किया गया है एक्सप्रेसवे, और 11 तारीख को ये कल एक्सप्रेसवे का ट्रायल रन शुरू किया गया है। इसके अंदर जो डीपीआर हमारे समय में, हालांकि ये मंजूर हुई थी सीपी जोशी जी जब मिनिस्टर होते थे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी खामियां सरकार ने छोड़ी हैं। हमने सोचा था कि ये एक्सप्रेसवे बनेगा, लोगों को बहुत फायदा होगा, करोड़ों लोग इससे, लाखों लोग फायदा उठा पाएंगे, लेकिन उसके अंदर इतनी तकनीकी खामियां छोड़ दी हैं सरकार ने, कहीं पर भी कट नहीं दिया है। उसका कारण है कि जो टोल माफिया है उसके दबाव में आकर के सरकार ने एक तो उसको छोटा कर दिया है। हमने उसको सोना को पूरा कवर किया था और लास्ट में रोजका में उतारा था, तो सोना पहले तो सोना ही खत्म कर दिया, तो सोना का जो भीड़ रश का इलाका था वो खत्म हो गया। फिर जो राजीव चौक से लेके सुभाष चौक तक कोई कट नहीं, जो लाखों लोग उन सोसाइटियों में रहते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं, वो तो वैसे ही जाम में फंसे रहेंगे। उसके बाद किसी गांव में कट नहीं दिया, तो सरकार मुझे लगता है टोल माफिया के दबाव में।